लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लाखों फर्जंदे इस्लाम आज हज का रुकने आजम वकूफ़े अरफा अदा करेंगे। शहरी हज की ट्रांसमिशन टेलीविजन पर देख कर ईमान को ताज़ा करेंगे। खुतबा हज पहली बार उर्दू जबान में पेश करने का अहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस साकिब निसार पर मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच आज अहम मुकदमात की समाअत करेगा। चीन में फंसे पाकिस्तानियों, लॉ कॉलेजेस में इजाफा और दीगर मुकदमात पर समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ का नैब से फिर बुलावा आ गया। शहबाज शरीफ को आज पंजाब पावर डेवलपमेंट केस में तलब कर लिया गया। डीजी नैब शहजाद सलीम ने नैब ऑफिस में इंतजामात का जायजा लिया। ये मुल्क बचेगा या करप्ट लोग बचेंगे? कोई भी मुल्क इतनी करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले यहाँ माफिया बैठे हैं। बाहर पैसा रखने वाला सियासतदान बाहर से कंट्रोल भी हो सकता है। हर जगह माफिया बैठे हैं, इन पर हाथ डालेंगे तो ये शोर मचाएंगे। बाहर भेजा गया पैसा वापस लाने के लिए टास्क फोर्स कायम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का करप्शन की निशानदी करने वाले को बरामद रकम का 25% देने का ऐलान। बोले, मेरी किसी से जाती लड़ाई नहीं, अवाम का पैसा बाहर ले जाने वाला मेरा दुश्मन है। हमें इस वक्त डॉलर की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान के बैंक्स में रखवाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम से अपील, कहते हैं बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग टैक्स नहीं देते। सबसे पहले एफबीआर को ठीक करना है। अवाम को एतमाद देंगे, आपका टैक्स आप पर खर्च होगा। बोले, इंसाफ का निजाम भी ठीक करना है। चीफ जस्टिस से मुलाकात करूंगा। इक्तदार में रहते हुए कोई भी कारोबार ना करने का आजम भी किया। मैंने सियासत को कभी भी करियर नहीं समझा। सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना था। सूद अदा ना करने वाले के लिए हर माह 2 अरब का कर्ज लेना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं सिर्फ 2 मुलाजिम 2 गाड़ियां रखूंगा। तमाम गवर्नर हाउसेज और वज़ीर आला हाउसेज में सादगी इख्तियार करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का 10 साला राज खत्म। पीटीआई के सरदार उस्मान बुजदार वजीर आला मुंतखब। उस्मान बुजदार ने 186 वोट्स के साथ कामयाबी हासिल की। इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के हमजा शहबाज 159 वोट ले सके। तहरीक इंसाफ के अरकान उस्मान बुजदार को मुबारकबाद दी गई। पंजाब के 9 मुंतखब वजीर आला उस्मान बुजदार आज गवर्नर हाउस में शाम 5 बजे हल्फ उठाएंगे। मुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब का इमरान खान के वीएन पर अमल करने का आजम। खैबर पी के मॉडल पर पुलिस का निजाम ठीक करेंगे, गुड गवर्नेंस कायम करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। पसमानदा इलाके से ताल्लुक है, जनूबी पंजाब समेत पूरे सूबे की पसमानदगी दूर करूंगा। 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुजदार का असेंबली से खिताब। पंजाब के 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला भी कप्तान के नक्शे कदम पर। प्रोटोकॉल लिया ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी। सरदार उस्मान बुजदार सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बगैर ही सरगर्म। वीडियो वायरल हो गई। 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला उस्मान बुजदार ने गाड़ी तक पहुंचने के लिए खुद रास्ता बनाया। पंजाब की मतवक्के काबीना के नाम सामने आ गए। महमूद रशीद, अब्दुल अलीम खान, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आशफा रियाज और मुराद राज शामिल। अजमल चीमा, आसिफ नकईस, सुबतैन खान, फयाजुल हसन चौहान, सरदार मोहसिन लगारी भी काबीना का हिस्सा होंगे। तख्ते पंजाब में शिकस्त पर ओपोजिशन की असेंबली में हंगामा आराई। नारेबाजी, उस्मान बुजदार की कामयाबी पर शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव। पीपल्स पार्टी कायदेवान के इंतखाब में भी गैर जानिबदार। वजीर आला आते जाते हैं, अब खादिम आला नहीं आएगा। दुखी दिल से कहता हूँ, आज के मैंडेट में धांधली की मिलावट है। इलेक्शन में आरटीए सिस्टम नहीं बैठा। जमहूरियत पर शबे खून मारा गया। हमजा शहबाज का असेंबली में खिताब। बोले, दुआ है इमरान खान कौम से किए गए वादे पूरे करे। धांधली की तहकीकात के लिए पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया।
गरीब आदमी वजीर आला बन गया, इसको सपोर्ट करें। ओपोजिशन एक तरफ जमहूरियत की बात करती है तो दूसरी तरफ शोर शराबा। हमजा शहबाज ने जो बातें आज की वो 10 साल इक्तदार में करते तो बेहतर था, स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही। मुस्लिम लीग नून के हाथ और पांव बांध कर इलेक्शन में फेंका गया, इसके खिलाफ असेंबली और बाहर आवाज उठाएंगे। डाकू और कातिलों के हाथों मुल्क को लुटने नहीं देंगे, राणा मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ईद से कबल जमानत मिलने की उम्मीद है। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना का इस्तीफा मंजूर, चौधरी परवेज इलाही पंजाब के कायम मुकाम गवर्नर होंगे, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए। नवजोत सिंह सिद्धू लाहौरियों की मोहब्बत में रंग गए, टेक्साली बाजार में शॉपिंग की, कोहाटी चप्पल खरीदी। शहरियों ने साबिक भारतीय क्रिकेटर से सेल्फियां भी बनवाई। चौधरी सरवर की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात, पाक भारत तालुकात और दोतरफा अमूर पर तबादला ख्याल। मोहब्बत का संदेशा लेकर वाघा के रास्ते भारत चले गए। शहरियों को सस्ते और खूबसूरत जानवरों की तलाश, व्यापारियों की भी ज्यादा माल बटोरने की ख्वाहिश। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खूब गहमा गहमी, खरीदार व्यापारियों से भाव ताव जारी। जानवरों की कीमतें आम आदमी ही पहुंच से दूर। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दुबाला हो गई। मनावा की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी ने धूम मचा दी, सुल्तान और जुगनू पर सबकी नजरें जमी हैं। कुर्बा पर जानवर की खरीदारी कठिन मरहला, मगर सोशल मीडिया ने इसे और भी आसान बना दिया। रंग, नस्ल, वजन और कीमत पसंद करें, ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाएं, कुर्बानी का जानवर आपके घर की दहलीज पर होगा।